हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस की आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो कि पेड हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम थे वो सारे एग्ज़ाम हमारे मैच हुए हैं। क्योंकि मैं ये रैंडमली नहीं बताती हूँ, मेहनत है मेरी, मैंने बहुत काम किया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता पाती हूँ। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आप लोगों का है वो है आपका नेचर कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस, और इसकी हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है। बट आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ नेचर स्कोप और कॉन्सेप्ट आपको करना है फिजिकल साइंस का, ठीक है। और उसके बाद एम और ऑब्जेक्ट आप इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है एक क्वेश्चन के लिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पूछा जाएगा, जो आप बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ चुके हैं, जो आप बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों ने लर्निंग एंड टीचिंग में भी पढ़ा था। तो बहुत इजी है ये यूनिट, सिर्फ आपको ऊपर वाला पोर्शन पढ़ना है जो कि नेचर स्कोप कॉन्सेप्ट और एम एंड ऑब्जेक्ट है आपके फिजिकल साइंस के, तो इसे पढ़ लीजिएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वो है आपका यहाँ पर मेथड आएगा आपका, ठीक है। मेथड आपको यहाँ पर पढ़ना है, प्रॉब्लिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ना है, इलुस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, यानी स्किल। एक क्वेश्चन स्किल से होगा, एक क्वेश्चन मेथड से होगा, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। मेथड्स के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपका इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है सेकंड यूनिट में। छोटे क्वेश्चन में ई टीचिंग आपसे पूछा जा सकता है, यूनिट और लेसन प्लानिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें आप छोटे के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिजिकल की लेबोरेटरी जो साइंस है उसकी लैब क्यों ज़रूरी है, ये भी छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और कई बार 8-8 में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर आप स्किल और मेथड दोनों ही कर लीजिए, क्योंकि आपने बायो में भी पढ़ा है तो आपको यहाँ इजी पड़ेगा ये, ठीक है। इजी क्योंकि मेथड पता है आपको लिखने का, सिर्फ आपको याद करना है कि फिजिकल साइंस में क्या होता है, दैट्स इट। उसके बाद हम यूनिट थर्ड की बात करें तो बहुत बहुत आराम से थर्ड यूनिट के अंदर नंबर लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे, समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चन एक ही होंगे, और दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, पैथोलॉजिकल एनालिसिस होंगे। पैथोलॉजिकल एनालिसिस आपको करनी है, या तो टॉपिक पे पूछ लिया जाएगा, यानी दोनों क्वेश्चन या तो टॉपिक पे होंगे, या एक क्वेश्चन उसके स्टेप होंगे और एक क्वेश्चन आपका टॉपिक होगा। तो कितना आसान है ये वाला यूनिट आपको करने के लिए, क्योंकि इस यूनिट में आपको सिर्फ स्टेप याद करने हैं कि क्या क्या स्टेप यूज़ होते हैं पैथोलॉजिकल एनालिसिस में, ओके। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इजी, जिसे आप तीसरा पेपर है ये आपका जहाँ पढ़ रहे हो आप, तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो है इवैल्यूएशन। आपको यहाँ इवैल्यूएशन पढ़ना है, आपको यहाँ एग्ज़ाम इवैल्यूएशन में डिफरेंस भी पढ़ना है। यहाँ आपको इवैल्यूएशन जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक वो है आपका, यहाँ पर आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE आपका जो है वो आपको यहाँ पढ़ना है। फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट आपको पढ़ना है, यहाँ पर ग्रेडिंग पैटर्न आपको पढ़ना है। तो जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों ने इवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेटिव सबमेटिव आपने पढ़ा हुआ है, CCE आपने पढ़ा हुआ है, ये तीन तो आपने पढ़े हुए हैं यहाँ पर। तो आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ एग्ज़ाम और इवैल्यूएशन में डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ा हुआ है। रिवाइज कीजिए और आपकी फोर्थ यूनिट बहुत आराम से हो जाएगी। फोर्थ और थर्ड यूनिट में आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ सेकंड यूनिट में मेहनत करनी है। फर्स्ट यूनिट में भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आप पहले से पढ़ चुके हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।